टीवीएस मोटर कंपनी ने 6 जुलाई 2022 को एक नए वाहन के लॉन्च के लिए आमंत्रण साझा किया है और टीजर जीवन के एक नए तरीके का वादा करता है। हाल की अटकलों के अनुसार आगामी लॉन्च जेपलिन क्रूजर मोटरसाइकिल हो सकती है, जिसे 2018 में ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था। इसके अलावा कंपनी की BMW G310R और G310 GS पर आधारित अपनी बाइक्स पेश करने की भी संभावना है। TVS Zeppelin Concept 220 cc मोटर के साथ 1200 वॉट रीजनरेटिव असिस्ट मोटर के साथ चलता है। इस बीच BMW TVS साझेदारी ब्रांडों को अपने वाहनों को क्रॉस ब्रांच करते हुए देख सकती है, जैसे कि आगामी G310 RR के मामले में है। आने वाले दिनों में इस बाइक के बारे में अधिक जानकारी सामने आएगी। रॉयल एनफील्ड अपनी बिल्कुल नई मोटरसाइकिल हंटर 350 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और बाइक इस साल अगस्त के पहले हफ्ते में बिक्री पर जाएगी। नई पेशकश नए जे प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और इसमें क्लासिक 350 की तुलना में अधिक स्ट्रिप डाउन लुक के साथ एक बराबर का रोडस्टर सिलुएट मिलेगा। बाइक आधुनिक डिजाइन को बनाए रखेगी, लेकिन इसमें ट्रिपल नेविगेशन पॉड जैसी विशेषताएं भी होंगी। ताकत 20.2 BHP और 27 NMP टॉर्क के लिए ट्यून किए गए नए 349 cc सिंगल सिलेंडर इंजन से आएगी। नई बाइक कंपनी के कई मोटरसाइकिल के साथ अपने पार्ट साझा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वे सड़कों पर गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों की प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। नए कानून के तहत जो कोई भी गलत तरीके से पार्क किए गए वाहन की तस्वीर लेता है और उसे अधिकारियों को भेजता है, तो उसे इस काम के लिए इनाम मिलेगा। मामले में जुर्माना ₹1,000 लगाया जाएगा और सूचना देने वाले व्यक्ति को इसमें से ₹500 मिलेंगे। हालांकि मंत्री ने अभी तक प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं किया है और कानून लागू होने में कुछ समय लगेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।